अगर आप दुनिया की सबसे बेहतरीन और अमेजिंग चीज देखने के शौकीन हैं, तो आपको एक माइक्रोस्कोप खरीदने की जरूरत होगी। जी हाँ, एक माइक्रोस्कोप आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें दिखाने की एबिलिटी रखता है, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होगा तो आप उसमें लगे लेंस की मदद से बारीक चीज को विशाल आकार में देख सकेंगे। ऐसा करने से आपको सिंपल सी दिखने वाली चीज भी बहुत ही अमेजिंग लगेगी, फिर चाहे वह मधुमक्खी का डंक हो या फिर आपकी खुद की जीभ। ये सब सुनकर आप समझ ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में हम सिंपल सी दिखने वाली चीजों को माइक्रोस्कोप में देखेंगे और जानेंगे कि वे कैसी लगती हैं। स्वयं हैबिट पेज की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जीभ इंसान के शरीर का सबसे सॉफ्ट और इम्पोर्टेंट अंगों में से एक है, जो कई तरह के टेस्ट को पहचानने में हमारी मदद करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर इंसान की जीभ कैसी लगती है? अगर नहीं तो देखिए, माइक्रोस्कोप से देखने पर आपकी अपनी जीभ में कांटे की तरह लाल आकृति दिखाई देती है। ये आकृति जीभ पर मौजूद टेस्ट बड्स की होती है। मधुमक्खी एक ऐसा इंसेक्ट यानी कीट है, जिसका डंक अगर लग जाए तो घंटों तक दर्द करता रहता है। मधुमक्खी अपने बचाव या छत्ते की रक्षा के लिए इंसान और दूसरे जीवों को डंक मारती है, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर मधुमक्खी का ये छोटा सा डंक असल में एक धारदार हथियार की तरह लगता है। यही वजह है जब मधुमक्खी किसी को डंक मारती है तो उसे बहुत दर्द होता है। जमीन पर चलने वाली छोटी सी चींटी को भले ही आप आते जाते गलती से दबोच देते हो, लेकिन अगर आप इस जीव को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद डर जाएंगे। माइक्रोस्कोप से देखने पर चींटी का छोटा सा मुंह बहुत ही बड़ा और डरावना नजर आता है, जिसमें गोल आंखें और उसके ऊपर मौजूद एंटीना भी साफ साफ दिखाई देता है। घास पर नंगे पैर चलना किसको पसंद नहीं है। घास पर चलने पर एक अलग ही फीलिंग आती है, लेकिन अगर आप इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसकी आकृति कुछ इस तरह दिखाई देगी, जो कि माइक्रोस्कोप से देखने पर घास का एक अनोखा और हसमुख रूप देखने को मिलता है, जो किसी उदास और रोते हुए इंसान का भी मूड फ्रेश कर सकता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि नंगे पैर घास पर चलने से हमें अच्छा क्यों फील होता है। अगर आप संगीत सुनने या गिटार बजाने की शौकीन हैं, तो यकीनन आपके गिटार के स्ट्रिंग यानी तार कई बार टूटी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हो, माइक्रोस्कोप से देखने पर यह कुछ इस तरह दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल किसी बिजली के तार की तरह लगता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसे खुद ट्राई कर सकते हैं। हर घर में और हर खाने की चीज में इस्तेमाल होने वाला नमक दिखने में भले ही बहुत बारीक हो, लेकिन माइक्रोस्कोप पर इसकी इमेज देखने पर बहुत ही विचित्र लगती है, जो कि कुछ इस तरह दिखाई देती है। अगर आप नमक के बारीक कणों को माइक्रोस्कोप से देखते हो तो वे काफी हद तक पत्थर के ब्लॉक की तरह दिखाई देते हैं। आज कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप ले चुकी है। हालांकि इसके लिए अब हमारे देश में इलाज भी मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हो कैंसर सेल्स कैसी दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो देखिए, माइक्रोस्कोप से कैंसर सेल्स को देखने पर वे किसी रेशेदार और चिपचिपे तत्व की तरह दिखाई देते हैं, जो शरीर के अंगों से चिपक कर उसे कैंसर पीड़ित कर देते हैं। अपने शरीर के अंदर झांकने से ज्यादा इंसान के लिए और कोई चीज अमेजिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हम अपने ही शरीर के बारे में बहुत ही कम जानकारी रखते हैं। ऐसे में आप अपनी मांसपेशियों के टिश्यूज को माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो वे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। मानव शरीर में मौजूद टिश्यूज टूटे हुए तारों की तरह नजर आते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। अगर आप रेगिस्तान में पाई जाने वाली रेत को मामूली समझते हैं, तो आपको उसे एक बार माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत है। इस तस्वीर में नजर आ रहे रंगीन तत्व रेत के कणों को माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखाई देते हैं। ये कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं मानो तेल में फ्राई की हुई कचरी हो। आपने स्कूल में टीचर को चॉक का इस्तेमाल करते हुए तो जरूर देखा होगा, वहीं कुछ लोग इसे खाना भी पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, लंबी और सफेद चोक माइक्रोस्कोप से कैसी दिखाई देती है? अगर नहीं तो देखिए, ये देखने में बिल्कुल खूबसूरत डिजाइन वाली आकृति दिखाई देती है, जो किसी डिजाइनर बॉल की तरह दिखाई देती है। दोस्तों, ये थी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली आम चीजें, जो माइक्रोस्कोप से देखने पर बहुत ही अमेजिंग लगती है। आप माइक्रोस्कोप से कौन कौन सी चीजें देखना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।